इसी दिन में अपने कल्चरल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि भिक्षा दे, मुझे भिक्षा दे।
सीता रावण को भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह रेखा के बाहर नहीं आती। रावण बिना भिक्षा लिए ही पीछे हट जाता है और कहता है, मैं भक्त भिक्षा नहीं ले सकता, यदि भिक्षा देकर द्वार आए ब्राह्मण को निराश नहीं लौटाना है तो रेखा के बाहर आकर मेरी झोली भर दे मां, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा, बिना भिक्षा लिए ही चला जाऊंगा। सीता सोच में पड़ जाती है। एक ओर लक्ष्मण का रेखा के बाहर न जाने का अनुमय है और दूसरी ओर बिना भिक्षा लिए ब्राह्मण का भय है। वह चिंतित होती है। अंततः वो भिक्षा देने के लिए आगे बढ़कर रेखा पार करती है। रावण अपने असली वेश में आ जाता है और सीता का हरण कर उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता है। बीच मार्ग में गिद्धराज जटायु रावण को ललकारता है और जगत जननी को छोड़ देने का आग्रह करता है, किंतु रावण उसके आग्रह को ठुकरा देता है। अंततः दोनों में घनघोर युद्ध होता है। उनके कर कमलों का स्पर्श पाकर और उनके कमलवत मुख की शोभा देखकर जटायु की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती है। वह उठकर बैठ जाते हैं। श्री राम गिद्धराज जटायु से कहते हैं, यदि आप चाहें तो अपना शरीर बनाए रख सकते हैं। भामिनी, यदि तुम्हें सीता के संबंध में कुछ पता हो तो बताओ। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि पूछते हैं तो आप पंपा नामक सरोवर जाइए, वहीं आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी जो सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर प्रभु श्री राम पंपा सरोवर हेतु गमन करते हैं। समाप्त करने के लिए यह रहा मेरा निर्वाण। अच्छा, अब तुम नहीं बचोगे, यह रही मेरी वीर घातनी शक्ति। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाथ आगे बढ़कर उन्हें उठाना चाहता है, किंतु वह उससे टस से मस नहीं होते। तब हनुमान आते हैं, वह लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास ले जाने के लिए चल पड़ते हैं। राम लक्ष्मण को देखकर बहुत दुखित होते हैं। आपस में मंत्रणा होती है। विभीषण की सलाह पर जामवंत हनुमान को लंका से रावण के राजवैद्य सुखेन को लाने के लिए कहते हैं। हनुमान पहुंचकर मूर्छित लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहते हैं, यदि सूर्योदय के पूर्व द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान पुनः तेजी से द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन जाने के पहले वह सूर्यदेव को चेतावनी देकर चलते हैं कि जब तक मैं वापस न लौटूं सूर्योदय मत होइएगा, नहीं तो मैं वही हनुमान हूं जो बालकाल में आपको मुंह में डालकर रखा था। मुस्कुराते हुए बंदर भालुओं के साथ युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। कुंभकर्ण और श्रीराम में घनघोर युद्ध होता है और अंत में राम के बाणों से घायल कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गिर पड़ता है और सदगति को प्राप्त हो जाता है। लो, तुम्हारा काल मार छोड़ रहा हूं। बाण लगते ही मेघनाथ का शीश कटकर श्रीराम के चरणों में जा गिरता है। उसकी भुजाएं कटकर उसकी पत्नी सुलोचना के पास गिरती है। इस प्रकार मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हनुमान के नेतृत्व में बानरी सेना रावण पर प्रहार करती है, किंतु रावण के प्रहार और उसकी माया से रामादल में त्राहि त्राहि मच जाती है। यह समाचार एक बंदर प्रभु श्री राम को सुनाता है। यह सुनकर भगवान श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। रावण उनसे कहता है, अब तक तुमने जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनकी तरह नहीं हूं, मेरा नाम रावण है। रावण जानते हो दिखाओ भी मेरे बंदी गृह में रहते हैं। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, और भी कुछ कहना है तुम्हें कहो। आज तुम बच नहीं सकोगे, मैं तुमसे सच का बदला एक साथ ही लूंगा, कहीं डर कर युद्ध से भाग मत जाना। आज तुम रावण के हाथ में आए हो।
शूरवीर कहते नहीं करके ही दिखाते हैं। तुमने तो धर्म की मर्यादा भंग करके अपने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु उलाई है। क्या अब भी तुम अपने को वीर समझते हो? आओ मेरे वाणों का सामना करो। दोनों ओर से सेनाएं आगे बढ़ती हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। रावण अपनी माया तथा आसुरी शक्तियों के साथ राम से घनघोर युद्ध करता है। राम भी अपने शक्तिशाली बाणों से रावण पर प्रहार करते हैं, किंतु रावण मरता नहीं है। श्री राम के श्रम को व्यर्थ जाते देख कर विभीषण उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तब राम विभीषण से स्वयं पूछते हैं, मित्र लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, संकोच रहित होकर कहो। प्रभु मैं दशानन की मृत्यु का रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। इस दुरात्मा का सहज संहार तभी संभव है जब मैं उस रहस्य को आपसे प्रकट कर दूं। मित्र तुम जो कुछ उचित समझते हो वह मुझसे कहो। प्रभु दशानन शिव जी का अनन्य भक्त है और उनके द्वारा इसे वरदान प्राप्त है। जब तक इसके नाभि कुंड का अमृत नष्ट नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। यह जानने पर अपने धनुष पर एक साथ 31 बाणों को संधान कर रावण के नाभि को लक्ष्य करते हैं। राम बाण चलाते हैं और रावण की नाभि में बाण लग गई। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ता है और उसकी संपत्ति हो जाती है। अच्छे से निभाते रहे वहां पर। अभी समय याद रखें कि ये जो रावण के पुतले हैं इनकी लकड़ियों को लेने के लिए लोग वहां पे पहुंचेंगे और यहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एकदम अभी ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ना है आपको जब तक कि यहां से भीड़ ना निकल जाए। बारिश के मौसम में पुतलों पुतले भीग जाने के कारण आपके समक्ष इस तरीके से दिख रहे हैं, अन्यथा हर साल तो ये नीचे अब तक जमीन पर आ जाते हैं।